फाइनली दोस्तों हमारे पास Redmi 9 Prime आ चुका है, जिसकी एक्चुअल प्राइस 9,999 रुपए है, लेकिन दोस्तों हमने इसे 7,999 रुपए की प्राइसिंग के साथ खरीदा है। दोस्तों कैसे खरीदा है, कब खरीदा है, क्या आप भी इसे 7,999 रुपए की प्राइसिंग के साथ खरीद सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों इसके सारी डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और दोस्तों सच के साथ आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे इस स्मार्टफोन को हमने खरीदा है अपने पर्सनल यूज के लिए है, तो यहाँ पे इसका प्रमोशन तो नहीं, इसकी सच्चाई आपको बतानी है। तो अभी कभी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है ना, प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंद्र प्रकाश सहगल और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल सहगल। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास Redmi 9 Prime आ चुका है, इसे 7,999 रुपए की प्राइसिंग के साथ खरीदा गया है। इसकी एक्चुअल जो प्राइस है 9,999 रुपए है। दोस्तों 7,999 रुपए मैंने कैसे खरीदा उसकी बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों टाइम निकाल के इस वीडियो को जरूर से देखिएगा, आपका बहुत ही कम समय लगेगा। आई बटन में वीडियो है, थोड़ा सा जरूर से देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख लीजिए, ये है Redmi 9 Prime और आपको बता दें 7,999 रुपए में हमने इसे 13 नवंबर को ख़रीदा है। और यहाँ पे 13 नवंबर को हमने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि Redmi 9 Prime आप जो है सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपए में खरीद सकते हैं। थोड़ा सा क्लिप देख लीजिए। हैं दोस्तों यहाँ पे जब इसके ऑफ़र की बात करते हैं तो यहाँ पे ये स्मार्टफोन आएगा 9,999 रुपए का, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको 2,000 रुपए का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ, और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है डिस्काउंट कैसे आपको मिल रहा है। ये देखिए आपको डिस्काउंट कैसे मिलेगा, SBI का कार्ड है आपके पास, चेक करें। जी हाँ, यही वो तरीका है जिससे मैंने इसे ख़रीदा। और आपको बता दें इसे हमने नहीं ख़रीदा है, हमारे पड़ोस में ख़रीदा गया है इस स्मार्टफोन को। जो ट्रिक तरीका हमने 13 नवंबर को जो आया था, उनके पास SBI का क्रेडिट कार्ड था और उन्होंने SBI के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके इसे सिर्फ और सिर्फ 7,999 रुपए में ख़रीदा है। अभी उन्होंने जो पे किया है वो पे किया है 8,999 रुपए और 1,000 का डिस्काउंट उनके पास कैशबैक आएगा। इसकी जो रिटर्न पॉलिसी है, 7 दिन के बाद इसकी रिटर्न पॉलिसी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद उनके अमेजोन पे में 1,000 रुपये आ जाएंगे। तो ये देखते हैं इस स्मार्टफोन में क्या कुछ आपको इस बॉक्स में क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पे पहले तो देखिए, यहाँ पे ये चीज़ें Xiaomi की ब्रांडिंग है, देखिए MI और Xiaomi इंडियाज नंबर वन, और ये देखिए Redmi 9 Prime, और इधर कुछ इसकी जानकारी दी है कि 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, वगैरह वगैरह इसमें दर्शाया गया है। इधर देखेंगे ये कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इस बॉक्स में देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ बॉक्स में सिंपली जिस तरह से हर एक स्मार्टफोन के बॉक्स में आता है, सब उसी तरह से देते हैं। यहाँ पे एक कवर देते हैं, इस कवर में देख लेते हैं अच्छा है क्या। यहाँ पे इस कवर में इसको ओपन करते हैं तो इस कवर में आपको कुछ कागज़ पत्र देखने को मिल जाएगा और केस कवर भी इस में आपको मिल जाता है। ये रहा केस कवर है, देख लीजिए ये केस कवर, ठीक है। सब भी स्मार्टफोन कंपनियाँ इसी तरह का केस कवर दे रही हैं, तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए Xiaomi से अलग। यहाँ पे देखिए सिम इजेक्टिंग टूल है, इसमें दिया गया है, यहाँ पे Xiaomi इसी तरह से देता है अपना। और इसके बाद यहाँ पे आपको ये मोबाइल दिया गया है, इस मोबाइल को हम जो है अलग करते हैं अभी यहाँ पे। अब जो है ये एक और कागज़ है। इसके बाद यहाँ पे देखिए दो चीज़ें और दी गई हैं, एक है USB Type-C, दूसरा है 18 वाट का चार्जर। इसकी मदद से आप जो है अपने स्मार्टफोन को फास्टली चार्ज कर सकते हैं। 18 वाट का चार्जर इसमें दिया गया है, देख सकते हैं। बाकी अब बॉक्स में कुछ भी नहीं है, तो अलग कर दे रहे हैं सब कुछ। अब यहाँ पे हम इस स्मार्टफोन को निकालते हैं। इस स्मार्टफोन का जो लुक है काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे स्पाइस ग्रीन कलर का ये लुक दिया गया है, ये कलर है काफ़ी अच्छा है, देखने को काफ़ी अच्छा लगता है, देख सकते हैं काफ़ी अच्छा देखने को लग रहा है। और यहाँ पे जो कैमरा, ये देखिए जो शेप है Poco X2 जैसा है, और यहाँ पे जो कैमरा रखने का डिज़ाइन है, यहाँ पे जो कैमरा रखने का डिज़ाइन है वो Redmi Note 8 Pro से लिया गया है।
आवत ही खाली नहीं है, वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे ये जो कैमरा रखने का स्टाइल है Redmi Note 8 Pro से लिया गया है, और ये देखेंगे काफ़ी अच्छा सा। यहाँ पे आपके फिंगर का जो फिंगरप्रिंट है नहीं से नहीं पड़ेगा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। कलर काफ़ी अच्छा दिया खरीदा गया है वाला कलर। यहाँ पे इधर की बात करेंगे तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। यहाँ पे आपको एक स्क्रीन प्रोटेक्टर यहाँ पे लगाया गया है, स्क्रीन गार्ड आप कह सकते हैं, इसमें मौजूद है। ये वाटर ड्रॉप नॉच के साथ यहाँ पे कैमरा दिया गया है। यहाँ पे जो कैमरा है प्राइमरी सेंसर ये है, सेकंड वाला है जो कि 13 मेगापिक्सल का है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर 2 मेगापिक्सल के दो और कैमरे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे अब बात करते हैं फ्रंट पे, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कुछ सेल्फी भी हम आपको खींच के दिखा देते हैं कि सेल्फी वगैरह कैसी आएगी, और यहाँ पे रियर भी खींच के हम आपको शो करेंगे। यहाँ पे अभी मैं इससे सेल्फी ले रहा हूँ, और आपको बता दें यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल देख सकते हैं कितना अच्छा दिया गया है। स्लो मोशन इसमें अवेलेबल है, उसके साथ ही शॉर्ट वीडियो है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, प्रो है, इतना ये कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। तो यहाँ पे कुछ फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं सेल्फी में, तो सेल्फी आ रही है लेकिन उतनी अच्छी सेल्फी देख सकते हैं नहीं दे रहा है। 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है तो कुछ तो क्लीन देना चाहिए था, ठीक है फिर भी। और यहाँ पे अब रियर कैमरे की बात कर लेते हैं कि रियर कैमरा कैसा है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है इसमें। यहाँ पे हमने रियर से भी फ़ोटो खींचा है, देख सकते हैं रियर से भी क्या फ़ोटो आया है। चलिए इधर का फ़ोटो खींच लेके दिखा देते हैं। ये देखिए रियर से हमने इधर का फ़ोटो खींचा है, तो यहाँ पे फ़ोटो वगैरह ठीक ठाक आ रहे हैं। यहाँ पे खासली तौर पे ये जो स्मार्टफोन है ये कैमरे के हिसाब से उतना बेटर नहीं है। 13 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया है, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। अगर कैमरा के हिसाब से कहेंगे तो आगे हम बताएंगे कैमरा के बारे में। इसके बाद इस स्मार्टफोन में आपको अच्छा गेमिंग प्रोसेसर दिया गया है, MediaTek Helio G80, काफ़ी अच्छी गेमिंग प्रोसेसर ये है। इसके बाद 4GB RAM है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, जो जुगलबंदी दी गई है 4GB 64GB, और साथ ही साथ जो प्रोसेसर दिया गया है इससे आप जो हैवी गेमिंग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। अब साथ ही साथ दोस्तों जो पबजी इंडिया आ रहा है इंडिया में, उसकी तो काफ़ी अच्छी सी गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में ये काफ़ी अच्छा निकल के आएगा। यहाँ पे 64GB का इंटरनल स्टोरेज है, तो आपको जो ये मेमोरी की दिक्कत तो होने ही वाली नहीं है। यहाँ पे अभी आपके सामने हम सिम एग्जेक्टिंग टूल लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे इसमें क्या है। थ्री सिम स्लॉट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ट्रिपल सिम स्लॉट दिए गए हैं, यानी कि दो सिम और एक एसडी कार्ड आसानी से आप इसमें लगा सकते हैं। और यहाँ पे बाकी इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो 6.53 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच के साथ फुल एचडी प्लस डिस्प्ले दिया गया है। डिस्प्ले देख लीजिए काफ़ी क्लियर इसमें आ रहा है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा दिया गया है। यहाँ पे आप परफॉर्मेंस और बाकी ओवरऑल की बात कर लेते हैं तो 5020mAh की बड़ी बैटरी इस स्मार्टफोन में दी गई है, और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसमें फास्ट चार्जर की तो 18 वाट से आप फास्ट चार्ज कर सकते हैं। USB Type-C यहाँ दिया गया है, और साथ ही साथ ये रहे ऑडियो होल्स, यहाँ पे देख सकते हैं 3.5mm जैक, माइक वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे IR ब्लास्टर दिया गया है। अब कुल मिला के बात करते हैं आपको ये स्मार्टफोन 7999 रुपये में कब मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे जो 13 नवंबर की जो सेल थी वो काफ़ी बहुत ही किफ़ायती सेल थी। उस दिन जितने भी स्मार्टफोन थे काफ़ी सस्ते दाम पे मिल रहे थे, इसी में Redmi 9 सीरीज़ के स्मार्टफोन को काफ़ी सस्ते दाम पे बेच रहा था, जहाँ पे SBI का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने पे 1000 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा था इस स्मार्टफोन पे, और साथ ही साथ 1000 रुपये उनके Amazon पे में आ रहे थे। लेकिन दोस्तों ये जो ऑफ़र है अब नहीं आपको मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस स्मार्टफोन को 9999 रुपये यानी कि 10000 रुपये में खरीदा जाए कि नहीं खरीदा जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर कैमरे के हिसाब से इस स्मार्टफोन को खरीदने का विचार है तो यहाँ पे दोस्तों कैमरा उतना अच्छा नहीं है। लाइव टेस्टिंग भी आपने देख ली, कैमरा उतना अच्छा नहीं है, बाकी सभी चीज़ A1 क्वालिटी का दिया गया है।
बैटरी A1 क्वालिटी की 5000 mAh 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, रैम 4GB इंटरनल स्टोरेज 64GB ये भी अच्छा है, प्रोसेसर है आपका मीडियाटेक हीलियो G80 ये भी काफ़ी अच्छा है, यानी कि कैमरा के हिसाब से कैमरा के पर्पज़ पे लेना है तो इस फ़ोन को मत लीजिए। अगर आप जो है अदर लुक की बात करेंगे या फिर सभी चीज़ों में लुक को ले लीजिए, बैटरी को ले लीजिए, प्रोसेसर को ले लीजिए, रैम को ले लीजिए, इंटरनल स्टोरेज को ले लीजिए, परफॉर्मेंस को ले लीजिए, तो इस स्मार्टफोन को आप खरीद सकते हैं 9999 रुपये में। खराब फोन नहीं है, काफ़ी अच्छा फोन है। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को फेसबुक में, व्हाट्सएप में, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा ये स्मार्टफोन कैसा लगा आप लोगों को। इस वीडियो को इतना ही, फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो तक। जय हिंद, वंदे मातरम।